यार प्लीज डड्डू, तेरे लिए शायरी है डड्डू। भी दिया तूने रिएक्शन देगा। हाँ तो अबे चूतिए, और जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल राम, तेरे लिए एक शायरी। हाँ मैं सिद्धार्थ शुक्ला लगाऊं क्या? मैं सिर्फ मम्मी कहती रहती है तू। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज डेट है 14, और आज ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं करा कि आप शूट करने वाला हूँ। एक सेकंड, लाइट अच्छा नहीं आ रहा पूरा प्रॉपर। तो आज प्रॉपर मैंने ऐसे कुछ है नहीं शूट करने के लिए, बट तो भी मैं सोचा आज कुछ डेली लाइफ का या फ्रेंड के जाऊँगा तो वो शूट कर लूँगा मैं। और अभी वैसे लंच कर रहा हूँ तो, और सेकंड चीज़ ये है, मम्मी जी गुस्सा है मुझसे क्योंकि मम्मी ने कुछ काम बोला बट मैं लेट हो रहा हूँ तो वो किया नहीं मैंने। तो इस वजह से मम्मी को खुश करने के लिए एक सॉन्ग बनता है। एलेक्सा अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ये एलेक्सा से करवा ले तो सारा काम। गाइस अभी निकलने वाला हूँ और मौसम इतना गंदा हो चुका ना, खराब हो रखा है। मतलब पहले तो आती नहीं बारिश और जब भी कुछ काम करने के लिए बाहर निकल रहा हूँ तब भी बारिश स्टार्ट हो जाती है। ले आ वैसी इधर आ, जल्दी आ, डड्डू से थोड़ी बातचीत की जाए। तेरे लिए शायरी है डड्डू। एक सेकंड सुन तो सरी, अरे सुन जल्दी। हाँ आयुषी के लिए शायरी हर्ष करेंगे अपन। कॉपी को हिंदी में कहते हैं नकल, हिंदी में कहते हैं नकल, ठीक है? कॉपी को हिंदी में कहते हैं नकल, बाबा तो कर। हाँ कॉपी को कहते हैं हिंदी में नकल, ची 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 इतनी बुरी शकल। राम कहाँ था तू? कहाँ था? ऊपर था, बारिश के मजे ले रहा। फैन तो चला कर। अरे वो थोड़ा शोर सॉरी, ये वो मैं डाल नहीं सकता ना फिर। नहीं डाल दूँगा मैं, कुछ चलने का बात तो मेरे को हटानी पड़ेगी, अब वो वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। तो वापस ना ना ऐसा गलत काम ना करना जी। कहाँ था तू? कहाँ था? नहीं इतना तेज कैसे बात कर सकता मुझसे तू? यहीं पे था, तुम ऊपर गया था। ये पिट और जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। तेरे लिए एक शायरी, शायरी तेरे लिए एक शायरी। क्या? सॉरी गाइस, वो जो मैंने शायरी बोली थी एक राम के लिए भी हो जाए क्योंकि राम को पता नहीं है शायरी में क्या आने वाला है। राम सुनो, कॉपी को हिंदी में कहते हैं नकल, ठीक है? कॉपी को हिंदी में कहते हैं नकल, छी 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 इतनी बुरी शकल। अच्छी है ना सारी? बस तुझे अच्छी लगती है इस टाइप। सामने वाले को जिसको बोल रहा हूँ ना वो जरूर हर्ट होता है इस शायरी से। रुला दिया इस शायरी ने मुझे। टू मिनट साइलेंस फॉर दिस शायरी। सोप संदेश भी बचवा दे, मैं आपको बार बार करवा दे इस शायरी का। कैसा लग रहा हूँ? हाँ मैं सिद्धार्थ शुक्ला लगाऊँ क्या? मैं सिर्फ मम्मी कहती रहती हूँ। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। वैसे ही कपड़े, वैसे ही चाल चलन, ऐसे चलता ना।
रामपारिक बनने की कोशिश मत कर। मैं तो नहीं बोल कल को मैं आसिम रियाज लगता हूँ। गाइस एक सेकंड, एक इतना अच्छा आया ना कंटेंट इधर किसके जैसा लगता तू? किसके जैसा? नीचे तो झुक, कैमरा इतना ऊंचा नहीं है। किसके जैसा लगता तू? आसिम रियाज। आसिम रियाज के पास एब्स है। कुछ भी, कुछ भी। आसिम रियाज जैसे कहता हूँ, इनको पता भी नहीं होगा। एक फोटो देख आसिम रियाज। ओ चलो मेरा नहीं है, अच्छा हुआ। गाइस इसने फोन गिराया, मेरा नहीं था। चल एक चीज, मैं एक तेरे को फोटो भेजता हूँ, उसका तू रिएक्शन बताना कैसी है, ठीक है? गाइस मैं एक फोटो दिखाऊंगा इसको, ठीक है? वो आपको नहीं दिखाऊंगा, ऑब्वियस है। अबे मुंह में गया मेरे परफ्यूम। फोटो देखो। मारना चाहिए इस बात पर। इनको नहीं पता ना, इनको नहीं पता ना कि मैंने क्या फोटो दिखाई है तेरे को। मीम्स बनाऊंगा, मीम्स। ये तो एक बहुत बड़ा मीम है। बताऊं तू है ना, सही कंटेंट दे रहा है तेरे को। तेरे जो रियल स्टोरीज है ना, तेरी लाइफ की, लाइफ से रिलेटेड जितने भी तेरे उतार और चढ़ाव जितने भी आए हैं तेरी लाइफ में, उनके ऊपर बना। क्योंकि अभी रिसेंट जो कोयता वाला आया, वो वाला जो बहुत गंदा वाला था, उतार चढ़ाव बहुत ही कॉलेज वाला। कान में डालने की दवाई है, कान का मैल साफ करवा रहा हूँ। अरे इसको साफ कर, इसको साफ तो कर दिया करो। तो गाइस अभी मैंने उसके लिए केक ले चुका हूँ ऋतिक के लिए, अब डायरेक्टली आपको ऋतिक के घर मिलता है, और तब तक देखते हैं। बाकी राम तो अभी उसको बोलते अपन, तू भाई एक ही बनाता है क्या, सबको एक ही बेचता है। वो याद है